छोटा सा अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लग रहा है कि 92.7 बिग एफएम में मैं पसंद करता हूँ कि ऐसा लोगों के साथ रूबरू होने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जो मीडिया के जरिए हम लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नहीं ठीक है, बेटी के बारे में बोलना तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो गा रही है, बस गाना गा रही है, शी इज़ डूइंग गुड, एंड जो कुछ भी है जब कुछ बनेगा तब हम हमको बताएंगे कि भाई शैनन कुछ बना। जी नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बॉलीवुड में मेरा एकदम इच्छा ही नहीं है इनको आने का, इसलिए हम हॉलीवुड में ट्राई कर रहे हैं एंड हॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं वो। बॉलीवुड में मेरे को इन लोगों को लाना नहीं है। बॉलीवुड के इनसाइड स्टोरी मुझे मालूम है, किस तरह से क्या होता है, यहाँ सिस्टम क्या है, कैसे क्या है, सब मालूम है मुझे। सो एंड आई डोंट थिंक के यहाँ पे आके कैसे बताऊँ आपको, सारा चीज़ खोल के नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ आपको भी समझ में आ रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट 200 सिंगर्स, न्यू सिंगर्स, न्यू कमर सिंगर्स, फीमेल सिंगर्स, दे आर स्ट्रगलिंग। अभी इनको एक और लाके जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, व्हाट दे कैन डू, इनका जो टैलेंट है ये आई थिंक हॉलीवुड के लायक है, जो मैंने परख लिया, मैंने देख लिया कि ये हॉलीवुड में गाने लायक सिंगर है। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रगल अगर करे तो बॉम्बे में, बॉलीवुड में ना करके हॉलीवुड में करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड का जो देखना था मैं देख लिया, सो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं देख पाएगा। मेरा जो एक ख्वाहिश है कि मैं अपना बच्चे को लाइक विटनी हो या सेलिन हो या मराय कैरी हो, इस तरह के आरियाना हो, इस तरह के कुछ बनते हुए देखूंगा, ये मेरे दिमाग में एक चल रहा है, जो मेरा एक ड्रीम है उसको सक्सेस ये लोग कर रहा है धीरे धीरे। कुमार जी, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंडियन म्यूजिक के एक सुपर स्टार, एक अच्छे सिंगर, कहीं ना कहीं आप इंडियन म्यूजिक को जो है नकार रहे हैं? फिलहाल मैं ब्लेम कर रहा हूँ, फिलहाल मैं ब्लेम क्यों कर रहा हूँ ये आपको भी मालूम है, मैं खोल के फिर बताऊंगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना, खोल के नहीं बताना चाहता कि जिस तरह के, जिस दिशा में हमारे फिल्म इंडस्ट्री जा रहे, जिस दिशा में, एक चीज़ हुआ करता था, हमने 20,000 गाना गा चुका हूँ मैं, आपको एक आपका क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, जब हमारे सामने चार बॉटल भटका या बहुत सारे और ख़राब लिरिक्स है, आप लोगों को मालूम है, इस तरह के जब गाना आता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम स्टार लोग जो है ना, हमारा बात छोड़ दीजिए, हम तो स्टार नहीं है, स्टार लोग जो है ना, इनको एक सोशल एक लाइबिलिटीज होता है, एक हर स्टार्स को जिसको लोग फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को ना एक सोशल लाइबिलिटीज होता है, एंड ये सोशल लाइबिलिटीज़ अगर वो पूरा ना करे तो उसका एक बैड इफेक्ट जो है ना उस सोसाइटी में पड़ता है, तो मैं उसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता हूँ कि क्यों हम बैड इफेक्ट्स का, जो हम गुड इफेक्ट्स हमारे ज़िंदगी भर हम छोड़ते हुए आए, हम बैड इफेक्ट्स में क्यों जाए, ये सोच मेरा है कि मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ कोई भी इस तरह के गाने या कोई भी इंग्लिश गाने का एक लूप चुरा के उसके ऊपर गाना बना के या कोई उस तरह के बीट दे के। दिस इज़ नॉट म्यूज़िक। म्यूज़िक हमारे देश में जो म्यूज़िक हुआ करता था, आपने, हम तो 90s का देखा, उससे पहले आप लोगों ने देखा, उससे पहले हम लोगों भी देखा कि 60s, 70s, 80s, 90s, तो ये जो चल रहा था एक चीज़, वो चीज़ से आज हम लोगों का ये जो दिशा है ये भटक गया, इसलिए मैं ब्लेम करता हूँ। परिवर्तन ही जिंदगी का दूसरा नाम है, परिवर्तन तो होगा, जैसे कि आपने कहा कि चार बोतल वोट का हमने देखा, उसे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आया, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स सो बिकॉज ऑफ, नहीं ये गलत बात है, नहीं, एक मिनट, इनका क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूं। सुबह से रात तक अगर 500 टाइम आप कोई चैनल में इस गाने को बजाओ तो आप
आखिर में डे एंड में आपने आप गुनगुनाते रहेंगे इस गाने को, ये फीड किया जा रहा है ज़बरदस्ती, इसको हिट नहीं कहते। हिट होता है कि जब 200 चैनल नहीं था, दो चैनल हुआ करता था, डीडी एंड रेडियो में आता था विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, तब गाना हिट होता था। तब तो नहीं था, तब लोग पसंद नहीं करते थे। और अगर लोग पसंद करते हैं, जिसके वजह से आज मैं कुमार सानू जिस तरह से जी रहा था आज भी उस तरह से जी रहा हूँ, मेरे जैसे आदमी एलए में, लॉस एंजलिस में अपना पूरा फैमिली को रख के स्ट्रगल करा रहा हूँ हॉलीवुड में, ये बहुत हिम्मत की बात होती है। तो मैं करा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैंने वो जो गाना गा के रखा था ना, उसके वजह से आज भी मैं टाइगर की तरह जी रहा हूँ, जी पा रहा हूँ। तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ये बैड थिंग को ब्लेम, ना ये ब्लेम नहीं है। ये आप जब बोलते हो ना कि जो लोगों ने इसको पसंद किया, लोगों को पसंद कराए जा रहे हैं। या अगर सारा दिन अगर 500 बार आप टेलीविज़न में रोज़ दिखा रहे हो, टीवी खोलते ही ये सब गाना चल रहा है, दिस कोई भी आदमी इस पर एडिक्टेड हो जाएगा, कोई भी आदमी। आप वो क्यों बोल रहे हैं, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, सार्फ हो या कोई साबुन हो, कोई सोप हो, लोग उसका भी तो लोग फैन होता है, वो तो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। इसका मतलब क्या सब चीज़ अच्छा होता है? दैट इज द थिंग। ओके सर, लास्टली क्या जैसे कि आपने बुरे लिरिक्स की बात की, क्योंकि सर आपने भी उससे पहले वो बताया जब बाबू का एक गाना था सरकारी लोग खटिया, वो भी आपने गाना गाया, फिर सैया मड़ैया, तो वो भी आपने गाया। 20,000 गाने में आप दो गाना खराब निकाला मेरा, सरकारी लोग खटिया। नहीं, लिरिक्स की बात करिए, आपने आजकल के लिरिक्स नहीं, उस समय जो मैंने गाया था, वो जो गाया था मैंने, वो पिक्चर के डिमांड के लिए वो लोगों ने कराया मेरे को, ठीक है। बट इसमें भी इतना खराब नहीं था जो आज हो रहा है, इतना खराब नहीं था जो आज हो रहा है। उस चार बॉटल वोट का तो कुछ नहीं, अभी जो लिरिक्स आ रहा है आप उसको देखिए सुनिए, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूँ आपको, वो तो बहुत दूसरा ट्रैक में जा रहा है, वो बात तो आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। तो गाना आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, और अभी जो रिलीज होने वाले हैं वो भयंकर लिरिक्स के साथ रिलीज हो रहे हैं, वो तो मैं बोल ही नहीं पाएंगे कि हम बोल ही नहीं चाहता हम बोलना। आपने घर में, आप एक बात मेरे को बताओ, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, आप कोई भी एक सिनेमा, कोई भी एक फिल्म, वेरी रेयर, कोई भी एक फिल्म आप अपने बच्चे के साथ बैठ के देख सकते हो एक साथ? दिस इज द थिंग। आप कोई भी फिल्म, क्या कोई ऐड आप देख नहीं पाए हुए, आप बच्चे के साथ बैठ के अचानक क्या आ जाएगा पता नहीं। तो ये सिचुएशन अभी हो गया, इसके मैं खिलाफ हूँ, इस चीज़ के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं कि गोविंदा का वो सीन जो आप बोल रहा है, वो सीन आप बैठ के आपके घर के सब सदस्यों के साथ बैठ के भी आप इन्जॉय करते हो उस सीन को, क्योंकि वो कॉमेडी के साथ उसको बनाया गया। लेकिन आज जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में यू कैन सी द मूवी विथ योर किड्स और विथ योर पेरेंट्स, यू कैन सी दैट इज द डिफरेंस। या डेफिनेटली यार, आप सभी को दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में पटाखा जरूर जलाइए, लेकिन क्योंकि मैं भी पटाखा जलाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, थोड़ा बहुत जला के एंजॉय कर लेना, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारा चीज़ है जो उस चीज़ से हो सकता है जो हम नहीं करते हैं। आप सबको दिवाली मुबारक। Thank you.